नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आज रात पृथ्वी के सबसे करीब मंगल ग्रह होगा। आज रात अंतरिक्ष में एक दुर्लभ नज़ारा दिखने वाला है जब मंगल ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब आ जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि मंगल ग्रह के पृथ्वी के पास आने की वजह से ये आम लोगों को भी दिखाई दे सकता है। आज रात को मंगल, पृथ्वी और सूर्य एक सीध में होंगे, इसलिए इसे दुर्लभ संयोग कहा जा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 13 अक्टूबर 2020 के बाद अब 15 साल बाद यानी करीब 2035 में ऐसा संयोग बनेगा। खगोल वैज्ञानिकों के मुताबिक इस सप्ताह मंगल की पृथ्वी से दूरी कम होकर करीब 6,20,00,000 किलोमीटर हो जाएगा। इस घटना को मार्स एट अपोजिशन कहा जा रहा है। शाम को जब सूर्य अस्त हो रहा होगा तो पूर्व में मंगल ग्रह उदित होगा। इस समय पृथ्वी के सबसे नज़दीक होने के कारण ये बड़ा और स्पष्ट दिखाई देगा। फिलहाल चंद्रमा देरी से उदित हो रहा है, इसलिए इसे देखने में बाधा नहीं होगी। जानकारी के मुताबिक पिछली बार बीते 6 अक्टूबर को मंगल ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब आया था। वैज्ञानिकों को मानना है कि मंगल और पृथ्वी पर हर 26 महीने के बाद एक दूसरे के पास आते हैं। दोनों ग्रहों के अंडाकार पथ में घूमने की वजह से और पृथ्वी और मंगल की कुछ डिग्री झुकी होने की वजह से दूरी घटती बढ़ती रहती है। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि वैसे तो अंतरिक्ष के ग्रहों को देखने के लिए टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है, पर मंगल और पृथ्वी की दूरी बहुत कम होने के चलते इस बार लोगों को बिना टेलीस्कोप के ही ये ग्रह दिखाई दे सकेगा, जिसको लेकर वैज्ञानिकों और आम लोगों में खासा उत्साह है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।